लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, कुछ मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ जो कि अब ये सेल प्राइजेस पे हैं, ठीक है। ईद आने वाली है तो कुछ प्रोडक्ट्स पे मैंने सेल लगा दी है, तो जो भी बाय करना चाहे वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, ठीक है। ये जो है मैंने जो एक बॉक्स में जो भी सेल का मेरा सामान था वो मैंने सारा बॉक्स में रख लिया है, तो जिसको जो भी सामान चाहिए वो काइंडली वो मुझे बता सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये ऑल प्रोडक्ट्स क्लियरेंस में मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब हाफ़ प्राइजेस में आप लोगों को ये सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे काइंडली कमेंट्स कर दे, मैं उनको पिक्चर्स दिखा दूँगी और जो भी वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। पैलेट्स हैं, पेंसिल्स हैं, टेंट्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, और ये आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फाउंडेशन मिल जाएंगे, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे। ग्लिटर लाइनर्स मिल जाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, प्राइमर्स मिल जाएंगे, टेंट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ये आप लोगों को इसमें प्राइमर्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्राइमर्स ट्रेंड करवा सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को ये हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, सेवन कूल के हाइलाइटर्स हैं, ठीक है। ये ईद स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइजेज हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप लोगों को हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, टू हाइलाइटर्स शेड हैं। इसके अलावा ये आप लोगों को टेराकोटा ब्लशॉन्स मिल जाएंगे, ब्लशॉन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये मिस रोज़ का मैट फाउंडेशन मिल जाएगा, लास्ट ही पीस है इसका ये मेरे पास, ठीक है। मिनी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, ये मिनी लिपस्टिक्स आप लोग कलर्स जिसको देखने हो मुझे कमेंट्स कर देगा, मैं कलर्स दिखा दूँगी, ठीक है। ये आप लोगों को कंसीलर्स मिल जाएंगे, एलिगेंट के प्रो कंसीलर्स हैं। डर्मोकोल फाउंडेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, लास्ट टू पीसेज हैं इसके भी। आई शेडो पैलेट मिल जाएगी, फाइनल टच की आई शेडो पैलेट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हुदा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट मिल जाएगी, सेवन कूल की आई शेडो पैलेट अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट पीसेज हैं क्योंकि क्लियरेंस है इस वजह से, ठीक है, कुछ ही प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो कि मैं क्लियरेंस पर आप लोगों को दे रही हूँ। मैक के काजल मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको वाइट, ब्लैक और न्यूड कलर मिल जाएगा। कंसीलर्स मिल जाएंगे, एलिगेंट के प्रो कंसीलर्स हैं, ठीक है, ये ईच भी आप लोग बाय कर सकते हो, पैक भी मिल जाएगा इसका। टेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा पैलेट सिखाई थी, वाइप्स मिल जाएंगे, मेकअप वाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज मिल जाएंगे, ठीक है। कंसीलर्स अवेलेबल हैं, मिस रोज के भी कंसीलर्स अवेलेबल हैं, ये भी मिल जाएंगे। लैशेज मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है, लैशेज अवेलेबल हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे बता दिएगा। ईद की वजह से स्पेशल डिस्काउंट है ऑल प्रोडक्ट्स पे, ये फेशियल स्पंज मिल जाएंगे, ठीक है, फेशियल स्पंज अवेलेबल हैं, स्टिक्स अवेलेबल हैं, मिस रोज़ की, मिस रोज़ का लूज पाउडर मिल जाएगा आप लोगों को, ग्लॉसेस मिल जाएंगे, काइली के ग्लॉसेस अवेलेबल हैं, मिनी फेशियल किट्स मिल जाएंगी, ठीक है, ब्लीच के साथ पूरी कम्प्लीट ये आप लोगों को फेशियल किट्स मिल जाएंगी, ठीक है, फेशियल किट्स अवेलेबल हैं। मिनी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें आप लोगों को 8 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, और ये कोई सिंगल बाय करना चाह रहे तो ये आप लोगों को सिंगल भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा काइली के ग्लॉसेस मिल जाएंगे, लास्ट के 5 कलर्स हैं ग्लॉसेस जिसको डन। अच्छा जी, आज मैं अपने फेस पे मास्क अप्लाई कर रही हूँ और आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि फेस मास्क मैंने कौन सा अप्लाई किया। राइस वाला फेस मास्क आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, ठीक है, और राइस, कॉफ़ी, एलोवेरा जेल, हनी, सब चीज़ों से मिला के जो है ये फेस मास्क आज बनाया, और आज मैं अप्लाई करके फिर आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। अभी सिर्फ मैंने फ़ेस वॉश किया हुआ है, ठीक है, मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ये ग्लोइंग स्किन के लिए, डल स्किन के लिए बेस्ट है। तो जब मैं अप्लाई करूँगी इसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, और आफ्टर वॉश भी इसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, मास्क मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है, और इसको जो है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसको वॉश नहीं करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ड्राई करके हल्का सा इसका मसाज, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करके इसको हम वॉश कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है राइस के, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, होम रेमेडीज़ हों या जो भी राइस के प्रोडक्ट्स हों, बहुत अच्छी होती हैं, तो जो है आप लोग ये इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हैं वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये डल स्किन को जो है वो ब्राइट करेगी और स्किन की डलनेस ख़त्म करेगी, ग्लोइंग स्किन के लिए है ये मास्क, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा यूज़ करके, ठीक है। अब आफ्टर वॉश मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, इसके बाद फिर हम लोग मास्क लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को दबा दीजिए।
ठीक है, और मेरी बेटी ने बोल दिया आप लोगों को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को तो बड़ी कर ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, आफ्टर वॉश इसके आप लोग रिजल्ट्स देख लें। फेस मैंने अपना वॉश कर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई है मेरी स्किन। मुझे खुद बहुत सॉफ्ट लग रही है अपनी स्किन, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको इसकी फुल रेमेडी चाहिए तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दिएगा, मैं आप लोगों को चैनल का लिंक दे दूँगी। और जिस तरह से इसको तैयार किया है रेमेडी को, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी पूरी चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड हुई हुई है। तो काइंडली जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और फिर आप लोग से बाद में मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।